नमस्कार, आप देख रहे हैं kusitimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में बताया है कि वो 4 दिन बाद सरेंडर करेंगे। उन्होंने वीडियो तब जारी किया है जब पुलिस के द्वारा उस पर शिकंजा कसा जा रहा था और बताया ये जा रहा था कि देर रात उसके पटना में सरकारी आवास पर भारी भरकम पुलिस की फौज के साथ छापेमारी की गई। लगातार करीब 3-4 घंटे छापेमारी के बाद भी वहां अनंत सिंह नहीं मिले और पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगा। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के करीबी को गिरफ्तार किया गया है। वही आपको ये बता दें कि अब तक बताया जा रहा था कि अब छापेमारी करने के दौरान बड़े आराम से पुलिस को चकमा देकर काली गाड़ी में सवार होकर अनंत सिंह फरार हो गए थे। हालांकि ये खबर टीवी और चैनलों के माध्यम से चलने के बाद अनंत सिंह के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में कई सवालों के जवाब देते हुए वो दिख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो 4 दिन बाद आएंगे और कोर्ट में सरेंडर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है जो पुलिस पर। उन्होंने बताया कि जब मेरे घर में हथियार थे और आप छापेमारी करने के लिए जा रहे थे तो हमें क्यों नहीं आपने सूचना दी, मुझे नहीं देते, कम से कम मीडिया कर्मी को तो सूचना देते और उनके सामने आप इस तरह की छापेमारी करते। वो बता रहे हैं कि जिस घर में हम 14 साल से नहीं गए, पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा ही ले जा करके वहां रखा गया है और उन्हें फंसाने की साजिश कर रही है। हालांकि इस प्रकरण में कई नेता अनंत सिंह के बचाव में दिखे। वहीं पटना में इन बातों को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अनंत सिंह के समर्थक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या 4 दिन बाद सरेंडर करते हैं। फिलहाल देखिए कि इस वीडियो में अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, मीडिया वाले आपसे सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल है कि आप बोले थे कि गिरफ्तारी से हम नहीं घबराते हैं। गिरफ्तारी से हम नहीं घबरा रहे हैं। देखो, दो सब को बीमार हो गया था, उसको हम देखने के लिए आए हैं। 2 दिन हमको 3 दिन समय लगेगा, 4th दिन आके हम सरेंडर हो जाएंगे। दूसरा सवाल है, आपके ऊपर यूपीए कानून के तहत केस दर्ज हुआ है क्योंकि आपके पास हैंड ग्रेनेड AK-47 घर में पकड़ाया। 14 साल जो हम घर नहीं गए, नीपी सिंह खुद अपने ले गए हैं, अपने खुद दिखाए। 14 साल जो हम घर नहीं गए, और दुश्मन के हमारे घर एक है, एक प्लॉट है, एक घर है, वहां जाके AK-47 रखेंगे। तीसरा सवाल है, आपने कहा था नीतीश कुमार से गुहार लगाएंगे। 10 झोंक समय मांगे, समय हमको नहीं मिला। दूसरा बीमार पड़ गया, हम देखने के लिए चलाए। आप बोले थे कोर्ट का शरण भी लेंगे। कोर्ट के अगर शरण लेंगे तो करे, दोस्त बीमार पड़ गया है, जैसे निहरा गए हैं, जागे कोर्ट में हम हाजिर हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे। पहले फलेट जाएंगे, फलेट में जाके कुल पत्रकार से मिलेंगे, पत्रकार से मिलकर हम सरेंडर हो जाएंगे। कब तक होंगे? 3-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, कम से कम 3 दिन। और एक आपको सुनील कुमार भी पकड़ाए थे, सुनील राम कौन थे? लदमा से एक व्यापारी को उठा के ले गया। अब आज जो केस में हमको ले गया छोटन सिंह को, वो केस हमको सरकार खत्म कर दिया। नीपी सिंह के अनंत सिंह पर कोई केस नहीं है। काहे खत्म कर दिए कि कारण है कि बढ़िया बढ़िया केस जब हमको मिल गया तो दब केस कहा रखेंगे, तो दुनिया में भी आ जाए कि नीपी सिंह न्याय करता है। पूरे केस से वो हमको हटा दिए। केस हटाने का क्यों कारण है कि दुनिया जाने की नीपी सिंह न्याय करता है। केस अनंत सिंह पर था, जांच में गया, जांच में नहीं आया तो खत्म कर दिए। वो केस में कल हमको बेल होता तो आए केस को कोर्ट से खत्म लिख के कर दिए कि अनंत सिंह पर केस नहीं। और वही केस में हमारा कुटुंब छोटन सिंह को उठा के आए फ्लैट से ले गया। वही केस में हम ऑर्डर देने वाले हैं, छोटन सिंह गोली चलाने वाले हैं, तो हम दोषी नहीं हैं। और छोटन सिंह को फ्लैट से हमारा कुटुंब लगते हैं तो कहा कि अपराधी ले गए डिरास उठा के। ऑडियो फोटो जो हुआ उसको हम जानबो नहीं करते हैं आज तक, क्या ही होता है ये सब चीज हम नहीं जानते हैं। हमको कोर्ट पर भरोसा है, न्यायालय पर, वो है हम जानेंगे, ये सब को हम कुछ नहीं जानेंगे। ये लगने कोई प्रक्रिया होता है, कहीं हमने चोरी की है, न चवारी की है, न गोली चलाया, न बारूद चलाया, हमारा हाथ में मिला, न कुछ में मिला, कौन चीज में मिला। 14 साल जो हमारा घर छोड़ला हुआ उसमें मिला, किसको घर में कुछ बिक जाएगा, जाके कोई तो नहीं मिलेगा।
अब हम खुद नीपी सिंह केस करने में जरी जरी केस से खींचते खींचते पढ़ते पढ़ते जब बढ़िया केस मिलना शुरू हो गया तो छोटका केस अपने नाम हटाने के लिए अपना नाम की हमारा नाम होवे कि नहीं हम न्याय करते हैं केस हमारे खत्म कर दिए कोर्ट में और जो अपना केस खत्म किए और वो केस छोटा सिंह के ले गए जेल पकड़ के अपराध ही कहते जो अपना कुटुम लगता है वही कहा है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद डेली हंट पर भी आप हमें कोसी टाइम्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ बिहार की ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.kositimes.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं।